पुलिस की घेराफेरी चल रही है। इथन दिस इज फॉर यू। थैंक यू। मोहित का नया कैमरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ यूजिन के घर। हाय गाइस, यहाँ बन में। और अभी हम लोग नाश्ता करने बैठे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं थोड़ा सा पूरा फ्री हूँ, लेकिन शादी अटेंड करने जाना है। वहाँ पे भी काम हो रहा है, बट मेरा वहाँ पे उतना काम नहीं है। मेरे को बस पोर्ट्रेट्स लेने हैं वहाँ पे, तो मैं पूरा फ्री हूँ। ये हमारा अभी नाश्ते में पराठा है, मेरा फेवरेट, अंडा भुर्जी और ये आलू चोखा। आलू दम दम इधर। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर रेडी होंगे, फिर बाहर जाएंगे। तो अभी तो बस सो के उठे हैं, ब्रश वर्श किए हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और मैं जब ब्लॉग स्टार्ट किया था तो यही एक जगह है उड़ीसा, और यहीं से मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग। वो वाला ब्लॉग ना अभी तक का सबसे ज़्यादा नहीं, शायद सेकंड नंबर का सबसे लंबा ब्लॉग है, क्योंकि सबसे पहली मैं मतलब जो 27 मिनट या 29 मिनट का ब्लॉग मैंने बनाया था, वो यहीं पर मैंने बनाया था, सबसे लंबा वाला ब्लॉग। और मैं राउरकेला पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर कल बारात में यही वाली गाड़ी आई थी, और अभी इसके फूल निकल गए, बस कुछ कुछ डेकोरेशन बचा हुआ है। तो अंदर भी गाने का आवाज़ आ रहा है, प्रेम की बारी में रोपे गए हम, प्रेम की बारी में रोपे गए हम, गाना बज रहा है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अभी शायद अभी स्टार्ट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ पोर्ट्रेट लेने वाले हैं, और पीछे दुल्हन है, तो कुछ पोर्ट्रेट्स ले लेते हैं। और मोहित अपना कैमरा नहीं निकाल रहा है। ये तो यार तो मेरा है। तो मेरा भी है। कैसे? बस मोहित का नया कैमरा। तो मैं जब भी उड़ीसा आया हूँ इनसे ज़रूर मिला, और इस बार भी मिल रहा हूँ। बताओ अपना इंट्रो। मेरा नाम अरोमा बारा है, और मैं रामकला में रहती हूँ। हो गया। भैया से मिल के बहुत अच्छा लगा, उनका वीडियो देखें, अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग होता है। थैंक यू। ऐसे ही बनाते रहिए और आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। बस थैंक यू। अपना सब्सक्राइबर हमें भी दे दो। तो, अरे तो चैनल का नाम बताओगे तो अपना सब्सक्राइबर मिलेंगे। अरे से चुपचाप रहोगे तो कैसे पता चलेगा? बताओ आप। बताओ आप। बताओगे तो जब वीडियो आ जाएगा तो उसी पे लाइक सब्सक्राइब ऑलरेडी है ना। हाँ तो इनका ना एक नागपुरी वीडियो, एक नहीं दो है शायद, है ना? तीन है, मैं तो दो ही देखा हूँ। दो है ना? हाँ दो है, इनको भी नहीं पता कितना वीडियो की है। एक में कुछ और गिनी थी। ओके। तो इनका भी ना नागपुरी वीडियो है, मैं ना लिंक दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, तो जाके इनके चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। तो अभी फिलहाल तो ये जा रहे हैं घर, तो इन लोगों को बस यहीं तक छोड़ता हूँ। चलो बाय। तो अभी मैं भी यहाँ पे खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। कुछ और प्लान है आज का, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। इथन दिस इज फॉर यू। थैंक यू। ओके। अरे यार आप मेरे ब्लॉग में नहीं आते ना कल? आप इधर डर क्यों रहे हो? ओके ठीक है, किसी और को लेते हैं। तो एक्चुअली मेरे ब्लॉग में कुछ नए नए लोग हैं जो मुझे पहचानते नहीं है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। अच्छा तो अभी कल मेरा ब्लॉग देखना, ठीक है? इसमें आप लोग भी आ जाओगे, ठीक है? तो कुछ लोग आपके फ्रेंड्स होंगे जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो मैं तेरी खुद की बहन देखती हूँ। अच्छा ये खुद के भाई है। ओके कोई बात नहीं, तो ये भी मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं, तो आप पहचान जाओगे ना मेरे को? ठीक है। अरे नाम वाम तो बता दो अपना। Myself Dennis. ओके। Myself Asim Kujur. ये गरीब वरीब कुछ बोल रहे थे। कोट वाट है। अच्छा। नहीं, वो मेरे लिए गरीब है, हमेशा गरीब ही रहेगा। अच्छा, मेरे लिए भी ये गरीब ही है। ओके। वो भी गरीब है, वो बोलना चाह रहा है। तो यहाँ सब गरीब है लेकिन दिल के बहुत अमीर है। तो बस अच्छा लगा इन दोनों से मिलकर, क्योंकि ये पहले ऐसे लोग हैं जो मेरे को बोल रहे हैं आप ब्लॉगर हो, तो काफी अच्छा लगा सुन के। थैंक यू। और आपके लिए भी इथन की साइड से थैंक यू। और ये नागपुरी हीरोइन है। अरे
अभी मैं जस्ट ब्लॉग देख रहा था। हाँ अभी कल के। अच्छा अच्छा क्या बोलू, बस सब्सक्राइब करो इसे भाई और फॉलोअर्स बढ़ा दो, लाइक्स वाइक्स बढ़ा दो, जो भी इधर का बन रहा है सारे चीज बढ़ा दो। ओके ओके ठीक है चलो। अच्छा है भाई, पीछे लेंगे आगे लोग, रोक दे हम लोग देख लेंगे। एक्चुअली हम लोग ना एक लोकेशन पे आए हुए हैं और यहाँ थोड़ा सा शूट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट शूट, तो देखते हैं क्या निकल पाता है। बाकी हरियाली है, सनसेट होने वाला है, आईसो बढ़ाया हूँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और कार यहाँ पार्किंग कर रहा है, और पोर्ट्रेट लेते हैं हम लोग। और यहाँ हमारे ब्राइड चला जाएगा, देखिए तो थोड़ा सा। चलो रे जल्दी चला चला चला, 2-3 किलोमीटर। वेलकम टू माय चैनल भाई। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ से पैदल जाने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना आगे डैम है, तो वहाँ पे हम लोग को जाना है, और ये गेट जो है लॉक लगा हुआ है, हमको कार ही छोड़ना पड़ रहा है। तो, ना? हाँ बाकी वो दो भैया जो स्कूटी दी है उनसे बाद में मिलाएंगे, अभी हम लोग जल्दी में तो चलते हैं यहाँ से। तो जस्ट हम लोग अभी दौड़ रहे हैं। अच्छा सॉरी मेरा पैंट टाइट है। ओके तो हम लोग अभी स्कूटी मिल गया है और अभी स्कूटी से जा रहे हैं, और क्या ही बताएं। ओहो 500 मीटर पैदल जाना था, बट ये भाई साहब जो स्कूटी लिए थे छोड़ के आए हैं अभी, और जिनकी स्कूटी है उनको बहुत बहुत थैंक यू। वो लोग ऊपर आ रहे हैं तो ले लेना। अच्छा हाँ वो लोग ऊपर आ रहे हैं तो उनको भी ब्लॉग में ले लेंगे। फ्लैश ले लेना। It's just like adventurous. तो ये था वो लोकेशन जहाँ पे हम शूट के लिए आ रहे थे, भागे भागे दौड़े दौड़े, और जल्दी से वो क्या नाम है इस जगह का? हाँ ले लीजिए, ब्लॉक कर दीजिए थोड़ा सा। तेरी तो हाँ ब्लॉक कर दो, बोल दे चैनल जा सकते हैं वहाँ पे। ऐसे ऐसे ही बोल, क्या बोलूँगी ऐसे, वो पकड़े हैं। चलो चलो बोल, चलते चलो चलते चलते करो। अरे मिमिक्री बोली बोली। हाँ चलो बोलो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड आज मेरा वेडिंग का शूट है, और क्या ही बताऊँ और क्या ही मैं बताऊँ यहाँ पे। और 5 बजे पुलिस की घेरा फेरी चल रही है, हेरा फेरी चल रही है, फिर भी हम इतने कॉन्फिडेंट से अपने शूट कर रहे हैं। सो थैंक यू टू द कुजूस टीम। हम लोगों ने गाड़ी किसी और का मांग के ऊपर तक आए, एडवेंचरस माने शूट फॉर अस, माने मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि व्हाट वाज द शूट फॉर अस। थैंक यू सो मच। लेकिन जैसा मिमिक्री करते थे कुछ भी नहीं बोल पाए वो वाला। हाँ वो वाला मैं बोलूंगी ना, एक्चुअली मैं अभी वो फ्लो में नहीं आया, वो फ्लो में नहीं है ना अभी। अच्छा हाँ कैमरा आता तो नर्वस हो जाते हो आप। कैमरा नर्वस नहीं आप हो जाते हो, पर जैसे अभी मिमिक्री करना थोड़ी देर बाद। चलो रेडी करो एक बार, उसमें से ऊपर करके ना आपको पैर दिखना चाहिए, सिर्फ ऐसे करोगे ना नहीं चलेगा चलेगा, वो क्लोज ले रहा हूं ना। हां क्लोज थोड़ा पैर थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। हां ये ठीक है, पैर दिख जाएगा, अच्छा जाएगा ठीक है। तो ऐसे ऐसे करिएगा और ऐसे पहनिएगा। हां ठीक है।
करने बैठा था, मैंने देखा कि कल रात को मैंने व्लॉग खत्म ही नहीं किया था, तो जस्ट अभी सुबह हो गई है, व्लॉग एडिट कर रहा था, तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और अभी मैं हूँ मैं बिहाबंद में, आज यहाँ पे लंच वंच करूँगा और आज ही मैं निकल जाऊँगा छत्तीसगढ़ के लिए। तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं बहुत लोग से नहीं मिल पाया, क्या बोलूँ मैं, मतलब बुरा तो लग रहा है, बट आने वाले टाइम पर ये कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल होगा ना, तो मैं पक्का पहला मीटअप मैं यहाँ राउरकेला में रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मुझसे मिलना चाह रहे थे। तो जल्दी से दुआ करो कि जो पैंडमिक चल रहा है, जो कोविड का सीन चल रहा है, ये कम हो जाए और हम लोग जल्दी मिलें, ठीक है। और बाकी जितने भी यहाँ जितने भी लोगों से मिला, मतलब कैसे बोलूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पर मुझे इतने सारे लोग मिलेंगे, और जितने लोग मिले उससे कहीं ज़्यादा लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि मीटअप करते हैं, मिलते हैं। बट मेरी वजह से मीटअप करना वहाँ पे, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो करीबन ना मतलब 100 से ज़्यादा ही लोग आ जाते मिलने के लिए, तो बहुत सारी भीड़ हो जाती। मैं इतने बड़े मीटअप के लिए रेडी नहीं था, मुझे लगा था कि 8-10-15 लोग होंगे तो मैं हर किसी के यहाँ जा के मिल सकता हूँ, बट यहाँ के पता चला कि बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तब मीटअप करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग सपोर्ट किए इस चीज़ को, मेरे डिसीजन को, कि नहीं मिलते हैं, नहीं मीटअप करते हैं अभी। तो थैंक यू सो मच, और जितने लोग से मैं नहीं मिल पाया हूँ, नेक्स्ट टाइम हम मीटअप करेंगे तो उससे मिल लेंगे, ठीक है। तो जस्ट अभी सो के उठा हूँ और वीडियो एडिट करने बैठ गया था, तो वीडियो एडिट करते हैं, ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर रेडी होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आज थोड़ा बाहर लेके जा रहे हैं ये लोग मेरे को, शायद कुछ माइंस वगैरह लेके जाने वाले हैं, तो चलते हैं वहाँ पे, मतलब अगले ब्लॉग में देखिएगा मेरे। तो चलो बाय, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।